हेलो एंड वेलकम टू जुपिटर ई क्लास। आई एम दीपक कुमार, पीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड पीजीटी मैथमेटिक्स। दिस इज द सेशन ऑफ क्लास 11 12th कंप्यूटर साइंस एंड टुडे वी विल डिस्कस अ इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th कंप्यूटर साइंस। दिस इज द फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग। मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो लेट्स मूव ऑन द सिलेबस। This is the syllabus of class 12th. Here you can see. तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था टेक्स्ट फाइल के अंदर, आप अगर दोगे तो ये सारे मोड्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में, R, R प्लस, W, W प्लस, AA प्लस। टेक्स्ट फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे राइट और राइट लाइंस। हालांकि राइट मोड जब मैंने पढ़ाया था तो राइट और राइट लाइंस को भी डिस्कस किया था, लेकिन अगेन विल डिस्कस अबाउट राइट एंड राइट लाइंस देन रीडिंग। ठीक है, रीड करने के लिए तीन फंक्शन दिए गए हैं, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस, इसको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट सीक एंड टेल मेथड है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक होने वाला है टेक्स्ट फाइल का। तो एक बार फिर से जुपिटर नोटबुक में आते हैं और स्टार्ट करते हैं राइट और राइट लाइंस से समझने का। ठीक है, तो ये है जुपिटर नोटबुक जहां हम लोगों ने अभी तक के सारे कोडिंग करे हैं, सारे नोट्स हम लोगों ने यहीं पे। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से फाइल को ओपन करता हूं। आप लोगों को पहले ही बताया python.txt करके हमारी फाइल थी जो इस लोकेशन में ही बनी हुई थी, हम लोगों ने पहले से प्रोग्राम करते आए हैं। तो चलिए एक बार फिर से इस फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड में या रीड प्लस मोड में। ठीक है, तो नो सॉरी, राइट मोड में। चलिए, क्योंकि राइट करना है राइट और राइट लाइन्स के हेल्प से, तो मैंने यहाँ लिखा python.txt जो ऑलरेडी है पहले से, और इसको मैंने राइट प्लस मोड में ओपन किया। चलिए पहले एक बार मैं रीड मोड में इसको ओपन करके आप लोगों को बताता हूँ जो हमारे फाइल में लिखा क्या है एक्चुअली, और एफ डॉट रीड फंक्शन का मैं यूज करता हूँ और फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगर अब आप देखोगे हमारे फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। Yes. तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज एंड पाइथन इज ए लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज, ये दो सेंटेंस हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो है जब हम लोग रीड करना चाहे फाइल को तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी को मैं रीड तीन फंक्शन जैसे मैंने बताया था हम लोगों को, हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो अपना रीड फंक्शन था जिसके हेल्प से हम लोग रीड कर सकते हैं किसी भी फाइल को। दूसरा फंक्शन था अपना रीड लाइन। ठीक है, और जो तीसरा फंक्शन था वो था रीड लाइंस। तीनों का क्या मतलब है उसको देखते हैं। सॉरी, रीड लाइंस। ठीक है, ये तीन फंक्शन एक्चुअली है किसी भी फाइल को रीड करने के लिए। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा एफ डॉट रीड करने से क्या आता है। अब थोड़ा सा रीड लाइन देखते हैं क्या आता है। रीड लाइन के हेल्प से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है रीड लाइन से क्योंकि ये हमारा कर्सर, हमने रीड कर लिया है फाइल को तो हमारा कर्सर लास्ट में चला गया है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर एफ डॉट रीड लाइन्स लिखे रीड लाइंस लिखे तो भी कुछ भी नहीं मिल रहा है अपने को। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा कर्सर जैसे ही हमने इस रीड फंक्शन को ओपन किया तो हमारा फाइल कर्सर कहाँ चल गया, एंड ऑफ द फाइल, और एंड ऑफ द फाइल के बाद आपको पता है कोई भी लाइन तो होती नहीं है, इसलिए रीड लाइन और रीड लाइंस में कुछ भी नहीं आया। अगर फिर से रीड करें तो हमारे पास ये डेटा आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फाइल को क्लोज करता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया। फिर से इसी फंक्शन को मैं रीड के लिए ओपन करता हूं तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब मैं इसको रीड ना करके यहां पे क्या लिखूंगा, एक सेकंड,
फंक्शन को मैंने क्लोज किया, अब अलग सा सेल मैं यूज करता हूँ इस काम को करने के लिए, और रीड के जगह अब मैं यूज करने वाला हूँ रीड लाइन फंक्शन का। ठीक है, अब देखेंगे आप क्या हो रहा है। ठीक है, ये फाइल क्लोज हो गया, इसके बाद तो फाइल क्लोज है, और इसके बाद जब मैं इसको रन कराऊंगा तो, अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने फाइल को पहले ही क्लोज कर दिया। हाँ, तो आप देखेंगे एक लाइन जो प्रिंट होके आया, पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो पहला लाइन था वो प्रिंट होके आया। फिर से मैं फाइल को क्लोज करता हूँ, एफ डॉट क्लोज, फाइल को मैंने फिर से क्लोज किया, कुछ भी नहीं आएगा। अगेन मैं फाइल को ओपन करता हूँ, और इस बार मैं रीड लाइंस करके आपको बताता हूँ क्या होता है। फिर क्लोज को मैं यहाँ से हटाता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, पहला लाइन है हमारे कोड का, दूसरा है पाइथन इज ए लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज, तो दूसरा लाइन है हमारे टेक्स्ट फाइल का, वो आपके सामने प्रिंट हो गया है। अब इसको अगर एफ डॉट क्लोज करें तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। तो मे बी रीड क्या करता है, रीड लाइन क्या करता है, और रीड लाइंस क्या करता है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। रीड हमारे इंटायर डेटा को रीड करवाता है, रीड लाइन हमारे वन बाय वन लाइन डेटा को कराता है, और रीड लाइंस जो है वो भी सारे लाइन को कराता है, लेकिन एक लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अगर आप लिस्ट के फॉर्म में लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू यूज द रीड लाइंस फंक्शन। इफ यू वांट टू रीड ओनली द सिंगल लाइन ऑफ द डेटा देन यू हैव टू यूज रीड लाइन। If you want to read the entire data as your file, then you have to use read function. Okay? तो मे बी ये क्लियर हो गया होगा तीनों, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एफ क्लोज को यहाँ से हटा देता हूँ और इसके पहले लगा देता हूँ, ताकि ये चीजें आउटपुट इसके आते रहे, नहीं तो आउटपुट आप लोगों को नहीं दिखेगा जब मैं ये नोट्स अपलोड करूंगा, ये आउटपुट आप लोग के सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये आएगा, इसको हटा के ये आएगा, और ऊपर इसके एफ क्लोज करूंगा मैं, ठीक है, और अब ये क्लोज को यहां से हटाऊं और अब ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटायर डेटा को बता रहा है, और ये क्या कर रहा है, लाइन, सिंगल लाइन को बता रहा है, और ये सारे लाइन को बता रहा है लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। तो यही इस फंक्शन का काम है, रीड का, रीड लाइन का और रीड लाइंस का। मे बी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होता है। इसी तरह आप राइट लाइन्स के लिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एफ को पहले तो क्लोज करते हैं, यहां से हमारा फाइल क्लोज हो जाना चाहिए। आफ्टर डैट हम लोग अब राइट मोड में इसी फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे राइट मोड में किया। राइट के लिए भी दो फंक्शन यूज होते हैं राइट करने के लिए, कौन कौन से, राइट और राइट लाइंस। ठीक है, तो इसके लिए भी दो फंक्शन यूज होते हैं, राइट और राइट लाइंस। ठीक है, एक लाइन अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आप लोग राइट के हेल्प से करा सकते हैं। ठीक है, एक कोई स्ट्रिंग करना चाहते हैं तो राइट के हेल्प से करा सकते हैं, मल्टीपल चाह रहे हैं तो आप लिस्ट के अंदर वैल्यू पास करके राइट लाइन की हेल्प से करा सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे एफ डॉट राइट, ठीक है, एफ डॉट राइट, और यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास करा दिया, पाइथन इज पाइथन हैज स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स, पाइथन इज इजी टू यूज लिख देता हूँ, पाइथन इज इजी टू लर्न। ठीक है, मैंने लिखा, और जैसे ही इसको मैं रन कराऊंगा एफ डॉट क्लोज करके, तो ये चीजें लिख के आ जाएगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रन करा के अब इस चीज को देख सकते हैं, इसी चीज को रन करा के आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि ये हुआ कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक काम करता हूँ मैं, इस चीज़ को मैं फिर से आप लोगों को बताने के लिए, एफ डॉट क्लोज ऑलरेडी है, यहाँ से मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल भी, आप देखेंगे पाइथन इज इजी टू लर्न हमारे इसमें आ गया है, और राइट मोड में पता है ओवर रिटर्न हो जाता है, तो यहाँ पे ये नया सेंटेक्स आके एड हो गया है, नया लाइन
ऐड हो गया। ये तो था राइट का। अब अगर राइट लाइंस करना है तो फिर से एफ डॉट क्लोज कर देते हैं, फाइल को बंद करते हैं, ठीक है, और राइट लाइंस करते हैं। चलिए फिर से बंद किया तो फिर से ओपन करना पड़ेगा फाइल को। ठीक है, और मैं यहां पर लिखता हूं राइट लाइंस। अब देखिए यहां मैं लिस्ट में पास करूंगा दो तीन चीज। पहला तो ये कर दिया, पाइथन इज इजी टू लर्न, जो ऑलरेडी है। दूसरा मैंने एक और स्ट्रिंग पास करता हूं, पाइथन इज अ रीच लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप यहां देख सकते हैं हमने क्या क्या एक्चुअली दो स्ट्रिंग को एक साथ यहां पे मैंने करा। पहला स्ट्रिंग है पाइथन इज इजी टू लर्न, दूसरा है पाइथन इज अ रीच लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं यहां पे एफ डॉट क्लोज करूंगा और ये चीजें इसमें एंटर हो जाएगी। फिर आपको रीड करना है, यही काम आप लोग करेंगे, यही काम आप लोग यहां से कर सकते हैं, जो एफ डॉट रीड लाइन्स के हेल्प से, एफ डॉट ओपन, एफ डॉट रीड लाइन्स के हेल्प से इस चीज को पढ़ सकते हैं। पाइथन इज इजी टू लर्न, पाइथन इज अ रीच लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मे बी रीड क्या होता है, रीड लाइंस क्या होता है, रीड लाइंस, रीड लाइन क्या होता है, तीनों फंक्शंस रीड करने के और तीनों फंक्शन राइट करने के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो दो और फंक्शन थे, एक थे सिक और एक थे टेल, उसको समझते हैं। पहले तो सिक के समझेंगे हम लोग, आफ्टर डैट हम लोग मूव करेंगे टेल के अंदर, जो टेल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सिक के लिए समझते हैं सिक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहां पे सिक को समझाऊं आपको, यहां थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूं। यस, सिक फंक्शन। ठीक है, तो सिक फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, अगर आप डिजायर्ड लोकेशन में मूव करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है बाय डिफॉल्ट कर्सर कहां रहेगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा या जहां तक आपने रीड करा है करेंट पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर आपको डिजायर्ड लोकेशन चाहिए तो इसके लिए हम लोग सिक का यूज करते हैं, और सिक फंक्शन अवेलेबल टू मूव द कर्सर टू द डिजायर्ड लोकेशन विद इन अ फाइल। सिक फंक्शन अवेलेबल टू मूव द कर्सर टू द डिजायर्ड लोकेशन विद इन द फाइल। इस चीज को याद रखना है। इसका जो सिंटैक्स है सिक का, वो एक्चुअली यहां पे यूज किया जाता है। यहां पे आपको पहले तो एक ऑफसेट देना पड़ेगा, और दूसरा इसके रेफरेंस पॉइंट होते हैं, रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, दो चीजें आपको पास करनी रहती है, ऑफसेट और रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, ऑफसेट का क्या मतलब होता है, ऑफसेट का मतलब यहां से होता है जो कितने बाइट आप मूव कराना चाहते हैं। ठीक है, कितने बाइट आप मूव कराना चाहते हैं, तो मैं इसका भी मतलब, चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ, थ्योरी ही पोर्शन बना देता हूँ इस वाले। ठीक है, ये है इसका सिंटैक्स। ठीक, और ऑफसेट का यहां क्या मतलब होता है, ऑफसेट का मतलब होता है हाउ मेनी बाइट्स वांट्स टू मूव, कितना बाइट आप मूव कराना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। ठीक है, स्टार्टिंग लोकेशन से आप कितना मूव कराना चाहते हैं, वो आएगा ऑफसेट के अंदर। और रेफरेंस वैल्यू जो होता है इसका, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस वैल्यू, वो तीन होते हैं, या तो जीरो रहेगा, या तो वन रहेगा, या तो टू रहेगा। तो जीरो अगर रेफरेंस वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो जीरो रहेगा, या तो वन रहेगा, या तो टू रहेगा। तो जीरो का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लोकेशन। ठीक है, जहां पे कर्सर कहाँ रहेगा, फाइल के एकदम स्टार्टिंग में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और वन रहेगा, इसका वन का क्या मतलब होता है, करंट पोजीशन, करंट
पोजीशन, करंट पोजीशन इन द सेंस, अगर मैं बात करूं, अगर मान लो यहां तक आपने फाइल को रीड कर लिया है, ठीक है, तो इस यहां यहां कर्सर आकर रुक जाएगा, तो इसको बोलते हैं करंट पोजीशन। तो ठीक है, इसके बाद अगर आप कुछ रीड करना चाहेंगे तो यहां से रीड होना शुरू होगा, इज आर इज लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा टू होता है एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, ये सबसे एंड में जाएगा। तो एंड में हम लोग तब यूज करते हैं जब हमको यहां से लास्ट से कुछ रीड करना हो किसी भी फाइल के अंदर, तो हम लोग एंड ऑफ द लाइन का यूज करेंगे। तो ये तीनों समझ में आ गया होगा। सीक का एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए एक हम लोग सीक का सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा जो ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक बार एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, थोड़ा सा और कर सक इसको मैं ऊपर कर लूं। यस, सीक के लिए हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। तो आप यहाँ पे एक्चुअली हमारा फाइल का नाम python.txt था, python.txt, ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे सीक 15 और करंट पोजीशन हमने यहाँ से देखा इसका क्या होता है, और एफ डॉट टेल। चलिए अभी मैं इस वाले को टेल को हटा देता हूँ, टेल को मैं हटा देता हूँ, डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड और प्रिंट डेटा करवाता हूँ। देखना आप यहाँ पे क्या आ रहा है, टू लर्न पाइथन इज अ रीच लाइब्रेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक्चुअली हमारा कहाँ स्टार्ट होना चाहिए था फाइल, हमारे फाइल में अगर अभी आपने देखा था कहाँ क्या था, ये था पाइथन इज ए इजी टू लर्न, ये था, लेकिन यहां से जो आया है तो 15 करेक्टर्स को इसने छोड़ दिया है, मूव कर गया है। तो हमारा कर्सर एक्चुअली यहां था, लेकिन जैसे ही 15 करेक्टर मूव किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आप देखोगे 15 करेक्टर को छोड़ के ये इसके बाद से लिखना शुरू किया टू लर्न पाइथन। तो ये होता है सीक का काम, जहां पे आप अपने कर्सर को मूव करा सकते हो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग। सीक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके सीक के अलावा एक और फंक्शन जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है टेल फंक्शन। ठीक है, सीक के अलावा एक और फंक्शन हम लोग को पढ़ना है टेल फंक्शन। तो चलिए एक बार टेल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, टेल फंक्शन क्या होता है। ठीक है, टेल फंक्शन देखो, टेल फंक्शन का काम क्या रहता है, करेंट पोजिशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, अगर आपको फाइल के करंट पोजीशन को फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग टेल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फाइल के अगर करंट लोकेशन आपको फाइंड करना है, जो आपका कर्सर अभी कहां है, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा टेल फंक्शन। ठीक है, करंट पोजीशन ये बताता है। तो चलिए इसको भी मैं आप लोगों को इसका भी सिंपल सा डेफिनेशन दे देता हूं। द टेल फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल इन अ स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम को जिसको आप रीड कर रहे हैं उसमें आपके कर्सर का करंट पोजीशन क्या है, इसको कौन बताता है, टेल फंक्शन। इसके लिए कोई भी आर्गुमेंट आपको नहीं पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा एक प्रोग्राम देखते हैं इसका, टेल फंक्शन का। ठीक है, सिंपल सा मैं एक प्रोग्राम लेता हूं और इसमें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए पहले तो इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूं यहां पे, तो एफ डॉट क्लोज। ठीक है, क्लोज करना जरूरी रहता है। और अब यहां से मैं एक सेकेंड, यस मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, और ये टेल फंक्शन के बाद फिर मैं यहां मूव करता हूं। चलिए, हाँ, टेल फंक्शन के बाद अब मैं अगर यहां पे लिखूं, हमारा जो फाइल का नाम था वो था python.txt, तो मैंने यहां लिखा python.txt और ये रीड मोड में मैंने ओपन किया। सबसे पहले मैं फाइल के करंट पोजीशन को बताता हूँ, जो करंट पोजीशन हमारा फाइल का क्या है। तो मैंने एक कर्सर लिया है करंट पोजीशन। ठीक है, चलो अगर आप चाहे तो करंट पोजीशन को इस छोटा सा वेरिएबल में लेता हूँ, कर्सर पोजीशन।
कहाँ है, कर्सर का पोजीशन कहाँ है। ठीक है, एफ डॉट टेल के हेल्प से हमने कर्सर के पोजीशन को पहले प्रिंट करवा लेता हूँ, जो एफ डॉट टेल कर्सर का पोजीशन हमारा कहाँ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, कर्सर पोजिशंस को यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, अगर चाहें आप तो डायरेक्ट यहाँ एफ डॉट टेल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एफ डॉट टेल मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटर करता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को ही यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे निकाला पोजीशन, और यहाँ से भी मैं एफ डॉट टेल निकालता हूँ। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कोड क्लियर करता हूँ, क्या होता है, हो क्या रहा है। पहले हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में। ठीक है, रीड मोड में करने के बाद हमने उसके कर्सर के पोजीशन को देखा क्या है होता है। उसके बाद हमने रीड किया, फाइव करेक्टर को रीड किया, तो फाइव करेक्टर रीड करने के बाद कर्सर का पोजीशन क्या होगा, फाइव से मूव कर जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो करेंट पोजिशन क्या है, जीरो है कर्सर का। जैसे ही हमने पांच करेक्टर रीड किया, करेंट पोजिशन कहाँ चला गया, फाइव पे कर्सर का। तो टेल का यही काम होता है, ये करेंट पोजिशन जो आपके फाइल या पॉइंटर का है उसको ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए एक बार सिलेबस में अगेन मूव करते हैं हम लोग। सिलेबस में हम लोगों ने यहाँ पे टेल मेथड को देख लिया, रीड लाइन और रीड लाइंस को देख लिया। ठीक है, अब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन टेक्स्ट फाइल, ये सारा एक्चुअली से मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपका, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, अपेंड कैसे करते हैं, पोजीशन कैसे चेंज करते हैं कर्सर के, इसी सारे प्रोसीजर्स को क्या बोला जाता है, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इन अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का टेक्स्ट फाइल का चैप्टर क्लोज होता है। अब कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी फाइल। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।